गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा फर्स्ट डे शिमला में, तो नाइट स्टे हमने यहीं पर किया था बिकॉज़ कल आए मनाली से एंड शिमला पहुंचते हमें 7:30 बज गए थे। तो शाम को प्रोग्राम था कि मॉल रोड जाएंगे, बट शाम को बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। एंड अभी हम निकलने वाले हैं, शिमला की जो साइट सीइंग वगैरह है वो करेंगे, तो करते हुए हम कुफरी निकलेंगे। तो अभी बज चुके हैं 10 एंड ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है एंड यहाँ पर स्टे जो था हमारा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहा एंड जो भी यहाँ के स्टाफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे, जो भी हमने डिमांड की वो पूरी की उन लोगों ने। तो स्टे कंफर्टेबल था एंड जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये हमारा ब्रेकफास्ट था, आलू पराठा एंड मैगी वो बना सकते थे तो उन्होंने बनाया। तो अभी हम साइट सीइंग वगैरह के लिए निकलने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, ये स्टेयर्स है, तो इस तरीके से आपको इतने ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2-3 दिन के लिए अगर रुकना चाहते हैं इस जगह पे, तो ऊपर इतनी ऊपर आपको जाना पड़ेगा और फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। हमने सिर्फ नाइट स्टे किया था इसलिए उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमें, जस्ट एक बार ही सामान जो है उन लोगों ने नीचे वो ले गए एंड उसके बाद ऊपर इस तरीके से हम जा रहे हैं। स्टे अच्छा था, कंफर्टेबल था, जगह अच्छी है, बट यही एक दिक्कत है यहाँ पर ऊपर नीचे का, ये जो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना उतरना पड़ता है वो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे टॉय ट्रेन जो शिमला की है, तो यहाँ नीचे की तरफ जाती है। नेक्स्ट हम आ गए हैं वार म्यूज़ियम। तो यहाँ पर वार म्यूज़ियम के अंदर का फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वहाँ पर मैंने फ़ोटोग्राफी नहीं की एंड देन यहाँ पर थोड़े जो जगह पे आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ का मैंने लिया। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट्स लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए थे तो कैक्टस की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही सुंदर सुंदर कैक्टस के प्लांट्स थे तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के कैक्टस प्लांट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये स्विंग्स वगैरह बनाए हुए हैं, स्लाइड्स है तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं, सीसॉ वगैरह भी है, तो कैंटीन भी है अंदर तो वहाँ पर आप रिफ़्रेशमेंट भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर बैठने की जगह भी है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। ये कैंटीन की एरिया है, यहाँ कैंटीन से हमने एक बर्गर लिया था बिकॉज ज़्यादा भूख थी नहीं तो जस्ट ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ से बर्गर लिया था जो कि काफ़ी अच्छा था। देख सकते हैं ये बहुत छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स टैंक्स वगैरह बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पर, तो वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था बिकॉज वहाँ पर मैच चल रहा था गोल्फ कोर्स में, तो वहाँ पर हम नहीं गए, जस्ट ऊपर से ही यहाँ से मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, आपको दिखाने की कोशिश की है वार म्यूज़ियम के अंदर की। तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थी, तो विज़िटर्स के लिए बस कुछ जगह आप ये सब देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, म्यूज़ियम आप विज़िट कर सकते हैं बट फोटोग्राफी वहाँ पर नहीं ले सकते। आपने ऐसा करना है सर, यहाँ लगेगा जहाँ हम पहुँच चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, प्राइस भेजा जाता है तो हम 120 को हमें अंदर भेजा जाएगा। 12:30 बजे का जो ग्रुप था उसे अंदर भेज दिया गया है। तो टिकट्स लेनी पड़ती है, एडल्ट की जो है वो 200 है एंड किड्स की जो है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर भी कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, आप बाहर टिकट लेने के बाद में एक टाइमिंग फिक्स रहती है, उसी टाइम पे आपको अंदर भेजा जाएगा, ग्रुप वाइज भेजा जाता है।
तो आप यहाँ गार्डन वगैरह में घूम सकते हैं। एंड जब आपकी टाइम आएगी तो आपको मतलब टाइमिंग के हिसाब से फिर आपको अंदर ले जाया जाएगा। एंड अंदर फोटोग्राफी वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। जगह काफ़ी अच्छी है, देखने लायक है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत पुरानी है एंड यहाँ पर जो शिमला कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो जो भी मतलब मीटिंग्स वगैरह होती है तो वह अंदर ही होती है। तो जो बच्चे PhD कर रहे हैं, थीसिस वगैरह लिखते हैं तो वो यहाँ पर स्टडी भी करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन किया जाता है। एंड जो गार्डन है, ये ग्रास एरिया है, वहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, जल्दी से सिक्योरिटी वाला आपको हटा देता है। तो काफ़ी पुरानी इंस्टीट्यूट है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। 3 रूम्स हैं जो कि आपको विज़िट करवाया जाएगा, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती है या जो भी चीज़ें हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें अंदर बहुत काफ़ी खूबसूरत है। हमारा पूरा जो अंदर देखना था वो पूरा हो चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, तो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे पहले। तो ये लिफ्ट आप देख सकते हैं, लिफ्ट के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये मतलब इजी हो जाता है लिफ्ट से। 2 लिफ्ट आपको लेनी पड़ती है। फर्स्ट लिफ्ट से जब आप निकलेंगे, अगेन एक और लिफ्ट लेनी पड़ेगी, तब जाके आप मॉल रोड पे पहुंचेंगे। तो ये यहां से आप देख सकते हैं, एक पुराना रास्ता भी है जहां से भी आप जा सकते हैं। तो ये मॉल रोड हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रैम्स वगैरह मिलते हैं, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं आपके, तो आप यहाँ से प्रैम्स जो है वो रेंट पे ले सकते हैं। बिकॉज बहुत चलना पड़ता है शिमला में। एंड अगर मेक श्योर आप शिमला यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो कंफर्टेबल शूज़ वेयर करके आएँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं, स्कैंडल पॉइंट है। इसी तरफ पुलिस स्टेशन भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पर स्कैंडल पॉइंट है, रिज है। तो मॉल रोड पे आप अगर पहुँच जाते हैं तो आप बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो कवर कर सकते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रिज पे। तो यहाँ पर अपना नेशनल फ्लैग देख सकते हैं आप। देन ये आर्ट गैलरी है यहाँ, तो कुछ आर्ट का एग्जीबिशन वगैरह भी लगा हुआ था। एंड यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। ये गुफा रेस्टोरेंट है, आशियाना, आई थिंक आशियाना नाम है गुफा रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। बट हम इतने फुल थे कि हम यहाँ ट्राई नहीं कर सके। एंड ये चर्च है यहाँ पर। तो बहुत सारी ये चीज़ें एक ही जगह आप कवर कर सकते हैं। लकड़ बाज़ार भी यहीं से आप जा सकते हैं। लकड़ बाज़ार से आप काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज मतलब घर के लिए बहुत सारी किचन की यूटेंसिल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। ये फाउंटेन्स वगैरह यहां पर लगाए हुए हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहां पर। तो बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह बनाई हुई है। यहां पर मैंने अपने बेटे को हॉर्स राइडिंग करवाई, तो ये सब भी इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं यहाँ एंड पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने खाए बादाम, जो काफ़ी फेमस बादाम यहाँ पर है। काफ़ी मैंने YouTube वीडियोस पे देखा है तो काफ़ी फेमस है, इसलिए मैंने सोचा ज़रूर से इसे ट्राई करती हूँ। तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी क्रिस्पी थे। एंड यहाँ पर ये हॉर्स राइडिंग कम्प्लीट करके आ चुका है, तो यहाँ बैठ सकते हैं अगर आप थक वक जाए तो। ये पूरा शिमला का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। तो रिज की जो एरिया है, रिज जो है, वहाँ से मैं पूरा आपको शिमला का व्यू दिखा रही हूँ। तो मई जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो मेक श्योर आप कपड़े जो हैं वैसे ही, वुलन बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। सुबह तो शिमला में बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है मई जून में। ये यहाँ का था जो पोस्ट ऑफिस था। एंड यहाँ पर आ गए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ के वेटर्स की यूनिफॉर्म देख के आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। एंड काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं यहाँ हर चीज़ के। एंड पूरा पैक रहता है, तो बिल्कुल भी जगह मिलती नहीं, बहुत मुश्किल से जगह मिलती है यहाँ पर, वेटिंग चलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन्यू दिखाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं हर चीज़ों के। एंड बहुत ही टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है टेस्ट में, मसाला स्पाइसेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर इसीलिए ट्राई किया बिकॉज मुझे यहाँ देखना था कि कैसा खाना है। तो ये पनीर पकौड़ा हमने मंगाया था, जो कि बहुत सिंपल था, एक पनीर की इसमें स्लाइस थी पतली सी। ये कटलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे, काफ़ी बड़ी साइज़ थी। एंड ये कॉफ़ी मंगवाई थी, दैन शेक्स मंगवाए थे, तो ये चॉकलेट शेक मुझे पसंद नहीं आया, स्ट्रॉबेरी शेक फिर भी ठीक था। देन अब हम जा रहे हैं कालीबारी टेम्पल, तो वहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं एंड कालीबारी टेम्पल जा सकते हैं। कालीबाड़ी अभी हम आ गए हैं कालीबाड़ी टेम्पल।
वो है झाकू टेम्पल। हमारे दर्शन हो चुके हैं एंड अब हम निकल रहे हैं। तो हम अब आइसक्रीम खाएंगे। तो यहाँ से हमने आइसक्रीम दी थी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी आइसक्रीम थी, ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। क्या नाम है? मम्मी आप गिरजा। तो हम जा रहे हैं झाकू टेम्पल। नीचे जो है गाड़ियाँ नीचे ही रोक दी जाती है आपको, क्या तो ऊपर